नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मील आपके अपने यूट्यूब चैनल चाय विद शिवालिक में। तो ले लिया चाय का कप, शुरू करें बातें। थोड़ी सी बात करेंगे, छोटी सी बात करेंगे कि जो विमेंस होती हैं, औरतों में पेशाब का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन क्यों है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, तो इसके अपन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बाकी यूटीआई क्या है, क्यों होता है इन्फेक्शन, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज सिर्फ मैं छोटी सी बात करने के लिए आपसे मिली हूँ कि क्यों विमेंस में ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, जो पेशाब की थैली होती है वहाँ से पेशाब को बाहर बॉडी के बाहर ले जाने के लिए जो आपकी पाइप होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा पेशाब को बाहर भी ले जाता है और बाहर से बैक्टीरिया अंदर भी लेके जा सकता है, तो ये टू वे चैनल है। तो जो यूरेथ्रा होता है वो विमेंस में, फीमेल्स में शॉर्ट होता है, लेंथ कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, तो वो आसानी से बैक्टीरिया को ब्लैडर तक ले जा सकता है। सेकेंड पॉइंट जो है, जो यूरेथ्रा जो है पेशाब की जो बाहर ले जा रहा है, उसकी जो वॉल होती है वो म्यूकोसा की बनी हुई होती है जो कि बहुत ही पतली होती है, जो आराम से ट्रॉमेटाइज हो सकती है, इरिटेट हो सकती है। जब भी वो म्यूकोसा इरिटेट हो जाएगी या ट्रॉमेटाइज हो जाएगी तो वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत आसानी से लिव कर सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और फिर वो ब्लैडर तक पहुँच सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि बहुत ही सेंसिटिव स्किन होती है अपने फीमेल्स में, जो यूरेथ्रा की जो स्किन होती है। थर्ड पॉइंट जो है, यूरेथ्रा का प्लेसमेंट, यूरेथ्रा है कहाँ पे, तो यूरेथ्रा इज़ वेरी क्लोज टू रेक्टम। रेक्टम मतलब जो आपके लैट्रिन का रास्ता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत इजीली ग्रो करते हैं, तो वहाँ से जो यूरेथ्रा का डिस्टेंस है वो बहुत कम है इन फीमेल्स, तो वहाँ से बैक्टीरिया बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया आपके पेरिनियम के अराउंड हैं वो आसानी से वजाइना के थ्रू यूरेथ्रा में जा सकते हैं, तो नेक्स्ट इसको अपन मानते हैं, इसलिए फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मीनोपोज। मीनोपोज मतलब जब फीमेल्स में महीने चले जाते हैं, महीने जाने के बाद में क्या होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से आपके जो स्किन है, जो म्यूकोजा है, जो वजाइना की स्किन है, यूरेथ्रा की स्किन है, पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट की जो स्किन है वो काफ़ी थिन हो जाती, कमज़ोर पड़ जाती है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया आसानी से ग्रो करेंगे और वो आपको इन्फेक्ट करेंगे। लास्ट है आपका प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इज़ एन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, तो इसमें आराम से आपको इन्फेक्शंस जल्दी लग सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कि आपका जो यूट्रस होता है उसके आगे ही ब्लैडर होता है, तो जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करता है ब्लैडर आपका ज़्यादा देर तक पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाता है, आपको बार बार यूरिन जाके आना होता है, तो आपको इसमें हाइजीन मेंटेन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट में आपको बताना चाहूँगी टिप्स कि आपको ये सब इन्फेक्शंस ना हो या फिर कम हो। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका हाइजीन। हाइजीन आप अच्छे से मेंटेन करिए, जब भी यूरिन जाए पानी से वॉश कीजिए, जो एक्स्ट्रा सोप्स और जो फेमिनिन जो वॉशेज़ आते हैं, जो सेंटेड सोप्स वगैरह होती हैं उनका कम से कम यूज़ आप कीजिए। डायफ्राम आता है जो कि प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो रेयर है, यूज़ होता है, लेकिन इसको भी जब यूज़ करें तो उसका भी हाइजीन आप मेंटेन करें, क्योंकि वो भी बाहर से बैक्टीरिया अंदर लाने का काम कर सकता है। लास्ट है आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, पूरे दिन में 3 to 4 liters आप पानी ज़रूर पिए। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपको यूरिन इन्फेक्शन उतना ही कम होगा। और जो अपने वाइप्स आप यूज़ करते हैं तो सेंटेड वाइप्स वगैरह यूज़ मत करिए, ना आगे से पीछे, जैसे अपन कहते हैं कि बैक टू फ्रंट अगर आप वाइप करते हैं तो ठीक नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ से वहाँ आएंगे, तो वो कम से कम यूज़ करना है। आप इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए तो आपको यूरिन इन्फेक्शन कम से कम होगा। तो थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ।